देंगे आगे। इधर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वही तारीखों के ऐलान के बाद जगह जगह पर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन एक्टिव दिख रहा है और तारीखों के ऐलान के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रशासन ने पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू किया। कटनी, बेमेतरा, बड़वानी, जबलपुर जैसे जिलों में नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर से बैनर पोस्टर हटाना शुरू किया। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 भी लग गई है, जिसके चलते स्थानीय पुलिस कर्मियों ने कई जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला। बढ़ते आगे। इधर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उज्जैन में नगर निगम और प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर लगे पोस्टर और बैनर को हटा दिया है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के देखते हुए प्रशासन ने आचार संहिता के पालन करना शुरू कर दिए। इसके चलते सबसे पहले जो शासकीय भवनों पे या खंभों पे वो होर्डिंग लगे हुए राजनीतिक लोगों के, वो उतारना शुरू कर दिए। अभी हम यहाँ पर शहीद पार्क पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर नगर निगम की टीम सभी जगह से होर्डिंग उतार रही है। अब तक काफी लोगों जगह से होर्डिंग उतार चुके हैं। ये जो खंभों पे लगे हुए थे वो होर्डिंग है, ये सारी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि सब जगह से होर्डिंग उतार रही है। साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, जिससे कोई विवाद की स्थिति ना बन सके। यहाँ पे अभी जो होर्डिंग उतार रहे हैं ये आज दोपहर के बाद से शुरू हुआ है और लगभग बिरगंज क्षेत्र के कई जगह से होर्डिंग उतारे जा चुके हैं। अब यहाँ से अभी जो होर्डिंग है आज बिरगंज क्षेत्र से उतारे, बाकी शहर में भी अन्य टीमें अलग अलग स्थान से होर्डिंग उतार रही है और इनका लक्ष्य है कि आज रात तक किसी भी तरीके से जितने भी शासकीय भवन पे या बिजली के खंभों पर होर्डिंग लगे हुए राजनीतिक, वो सभी उतार दिए जाए, जिससे कि आचार संहिता का सही तरीके से पालन किया जा सके। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन।